उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को दो दिवसीय धार्मिक दौरे पर मथुरा पहुंचे। यहां भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली गोवर्धन धाम में दानघाटी मंदिर में गिरिराज महाराज के दर्शन कर मन्नत मांगी। इसके उपरांत सीएम धामी ने गुरु कृपा गार्डन में पार्टी कार्यकर्ताओं से भेंट की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम धामी पूरी तरह आस्था और भक्ति में सरोवर नजर आए। वहीं अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार उत्तराखंड के लोगों से किए गए वादों को पूरा करती है। इसमें समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए समिति गठित करने और भ्रष्टाचार को खत्म करना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में बाबा केदार को विश्व में एक नई पहचान मिली है। कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन निर्माण पूर्ण होने के बाद आने वाले वर्षों में और अधिक संख्या में यात्री बद्री केदारनाथ धाम जाएंगे और हमें अपने इसी के साथ संस्कृति का परिचय देते हुए तीर्थयात्रियों का ऐसा सत्कार करना है कि वे बार बार देवभूमि लौट कर आए। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। भव्य काशी दिव्य काशी बन गई है। उज्जैन में महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया है। पूरे देश में समर्पित हो गया है। आप उत्तराखंड आएंगे तो उत्तराखंड में आपको जहाँ चार धाम जाने के लिए नए मार्ग चार धाम ऑल वेदर रोड है जो हर सीजन में काम करती है। बरसात हो चाहे कोई भी सीजन हो कभी बंद नहीं होती है। ऑल वेदर रोडें बन गई। उससे बड़ी बात केदारनाथ त्रासदी में केदारनाथ का पूरी तरह से जो है सारा क्षतिग्रस्त हो गया था। सारा परिसर भगवान के प्रांगण के चारों उसको भी नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का मार्ग हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी वो काम हमारा पूरा होने वाला है। अब आप खुद ही इसमें से जाते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा एकदम से नया स्वरूप वहाँ का बन गया है। भगवान बद्री विशाल नए मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है और अभी अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो एकदम सीमांत क्षेत्र में आदि कैलाश पार्वती कुंड 18,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने जो है स्वयं जाकर वहां के दर्शन किए। इस प्रकार के काम लगातार मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक होता है। भारत अब विश्व गुरु बनने के मार्ग पर प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरा विश्व गुरु की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आज भारत की ख्याति जो डंका है वो पूरे दुनिया में बज रही है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस विकास यात्रा में सहभागी बने। आज अनेकों योजनाएं गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों को निःशुल्क राशन दिए जाने का काम 5 साल के लिए आगे तक का अरे क्या उन्हें मिल सकते कि जिंदाबाद उनमें नहीं मिल सकती थी क्योंकि ये सब लोग भगवान राम का जो भव्य मंदिर है उस मंदिर का निर्माण ही नहीं करना चाहते थे। कितना अड़ंगा इन्होंने उसमें लगाया ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर कभी नहीं बनवाते। देश के अंदर धारा 370 कभी न हटे। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्षमता है कि वो न झुके हैं न डिगे हैं न रुके हैं। लगातार उन्होंने परिश्रम किया है कर्तव्य पथ पर लगातार वो आगे बढ़े हैं और उन्हीं की प्रेरणा से यानी कि हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उन्हीं के द्वारा जो कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो पूरे देश को दी है उनसे प्रेरणा लेकर हमने भी उसी दिशा में प्रयत्न किया है। और उत्तराखंड के अंदर भी जैसा अभी अशोक जी यहाँ से कह रहे थे कटारिया जी कि बहुत सारे कामों को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे काम हमने पूरे किए हैं। बहुत सारे कामों पर आगे बढ़ रहे हैं और 23 साल उत्तराखंड राज्य स्थापना के पूरे हो चुके हैं और इन 23 सालों में बहुत सारे हमने कठोर निर्णय लिए हैं जो पहले के 23 वर्षों में कभी नहीं लिए गए थे वो निर्णय भी लिए हैं। जहाँ हमने देश के अंदर एक कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है और वो पूरे भारत का सबसे कठोर कानून है जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया। नहीं तो हमेशा वहाँ अच्छा भी होता था। प्रश्न पत्र लीक होते थे पेन ड्राइव पर नकल होती थी बड़ा अपराध होते थे। जो गरीब माता पिता के बेटे बेटियाँ होती थी उनके अंदर योग्यता क्षमता होती थी उनका नकल नहीं आता था।
आप भी सुनते होंगे रोज पर्चा लीक हो रहा है आपके बगल में, अभी तक पुरानी सरकार जी चली गई, कितनी बार पर्चा लीक हो रहा है, 27 बार राजस्थान में तो बार बार पर्चा लीक होता था। ऐसे ही हमने धर्मांतरण रोकने के लिए ही एक कठोर कानून उत्तराखंड के अंदर बना दिया, क्योंकि देवभूमि की मांग की थी और देवभूमि को लोग किस स्वरूप में देखना चाहते थे। हमने कठोर धर्मांतरण का, धर्म परिवर्तन करने पर कठोर कार्रवाई करने का भी प्रावधान कर दिया। इसके साथ साथ जो अभी अशोक कटारिया जी कह रहे थे लैंड जिहाद, जो लैंड जिहाद के रूप में बहुत बड़ा अतिक्रमण उत्तराखंड के अंदर था, सरकारी जमीनों पर, जंगल जंगल की जमीनों पर, उसको भी हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है और 5000 एकड़ जमीन अभी तक हम मुक्त करा चुके हैं। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी हमने पहली बार कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे हैं, बहुत सारे मामलों में हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई की है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे देश के लोग एक अलग प्रकार की आस्था रखते हैं। मैं देख रहा हूँ आप लोग मुझे भी इस प्रकार से यहाँ स्नेह प्रदान कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, इसमें देवभूमि की बहुत बड़ी महत्ता है, देवभूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और दुनिया के लोग सोचते हैं कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि माने अच्छे पर्वत, अच्छी नदियाँ, अच्छे वन, अच्छे देव स्थान, ये मूल स्वरूप है देवभूमि का। उदार लोग आस्था श्रद्धा का स्थान गोवर्धन भगवान की पूजा करना, उनकी पास आना अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। मैं राज्य का देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुख्य सेवक के नाते गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भगवान जो है प्रदेश की खुशहाली हो, हर प्रकार से तरक्की हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड के बारे में कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, भगवान की कृपा से हमारा मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का दशक हर प्रकार से हो। अनेक वर्षों के बाद राम मंदिर बन रहा है, ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमको उस पल का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है जब भगवान फिर से अपनी जन्मभूमि में भव्य दिव्य मंदिर में फिर से विराजमान हो रहे हैं। राम जी मंदिर में आ रहे हैं और राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए, वो लोग कभी भी मंदिर के पक्ष में नहीं थे, भगवान राम का मंदिर बने उसके लिए उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया कि उसको रोका जाए, कभी कोर्ट कचहरी में अटकाने का प्रयास किया, जो हथकंडे थे वो सारे अपनाए हैं। इसलिए पूरे भारत के सारे राम भक्त जानते हैं कि उनकी पार्टी और वो किस प्रकार का विचार रखते हैं।